अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास है 7। इसकी मैथ की बुक का मेकिंग मैथ इजी ग्रेड है ये 7। इसकी आज जो हमने यूनिट शुरू करना है वह यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7 इसकी एक्सरसाइज है। यूनिट नंबर 7 की एक्सरसाइज है 7.1। एक्सरसाइज 7.1। और इसका पेज नंबर है 78। 6 सवाल 78 में है और बाकी के सवाल जो है वो पेज नंबर यानी इसका है 98 पेज नंबर 98 पे एक्सरसाइज 7.1 के पहले 6 सवाल हैं और फिर है पेज नंबर 99। इस पे नेक्स्ट 7, 8, 9 और 10 क्वेश्चन है। 7, 8 और 9, 10 जी स्टूडेंट। इसी तरह इंट्रोडक्शन है, इसमें फाइनेंशियल अरिथमेटिक इसके अंदर बताया गया है कि ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स मैथ की वो ब्रांच है फिर जो हमें बताती है किनके बारे में, स्पेशली ऐसी चीज़ों के बारे में बताती है जिनके अंदर टैक्सेस मौजूद हैं, जैसे इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, जनरल सेल टैक्स जिसे हम GST कहते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स, प्रॉफिट एंड लॉस नफा और नुकसान का, यानी किसी चीज़ पर हम कहते हैं कि किसी चीज़ को खरीदने से फ़ायदा या नुकसान, ये इस चीज़ पर या बेचने से प्रॉफिट और लॉस हुआ, इसी तरह प्रॉफिट और मार्कअप, इसी तरह प्रॉफिट एंड मार्कअप, ज़कात एंड उशर, इंश्योरेंस, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड है। लाइफ इंश्योरेंस भी इसमें है, फिर गाड़ियों की इंश्योरेंस जो है व्हीकल्स इंश्योरेंस भी इसके अंदर शामिल है। ये स्टूडेंट अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, द एनुअल प्राइस ऑफ अ बिल्डिंग इज रुपीज। अब ये अमाउंट है 35,10,042। 35,10,042 ये इसकी क्या है, द एनुअल प्राइस ऑफ अ बिल्डिंग। एनुअल कहते हैं सालाना को, ठीक है, सालाना प्राइस है एक बिल्डिंग की 35,104,020। फाइंड द प्रॉपर्टी टैक्स एट द रेट ऑफ 10%। अब प्रॉपर्टी पर टैक्स मालूम करना है रेट ऑफ 10% से, जिसमें रेट बताया गया 10%। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाँ जी, द एनुअल प्राइस ऑफ बिल्डिंग, तो बिल्डिंग की जो सालाना प्राइस है वो है 35,10,045 जी। द
एनुअल, द एनुअल प्राइस ऑफ द एनुअल प्राइस ऑफ बिल्डिंग इज रुपीज 35,10,000 420 ये है जी। फाइंड द प्रॉपर्टी फाइंड द प्रॉपर्टी टैक्स एट द रेट ऑफ 10%। एट द रेट ऑफ 10%। सॉल्यूशन, रेट ऑफ 10%। आगे इसका सॉल्यूशन है, प्राइस ऑफ अ बिल्डिंग इज इक्वल टू प्राइस ऑफ अ बिल्डिंग इज रुपीज 10%। Now property tax
इज इक्वल टू, अब जो बी का अमाउंट है वो लिखनी है, बी का अमाउंट लिखने के बाद मल्टीप्लाई का साइन 10%, तो मीनिंग है रुपीज 3510420 मल्टीप्लाई 10% का मतलब है 10/100, परसेंटेज का मीनिंग होता है 100। पहला जीरो इससे कट कर दें और दूसरा इससे कट कर दें, तो रिमेनिंग अमाउंट जो आएगी वो इसका आंसर कहलाएगा रुपीज 3510422। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर टू है, द एनुअल प्राइस ऑफ अ शॉप एनुअल प्राइस ऑफ अ शॉप इज रुपीज 20 लाख है, फाइंड द प्रॉपर्टी टैक्स एट द रेट ऑफ
रेट ऑफ सिक्सटीन परसेंट द एनुअल प्राइस ऑफ अ शॉप इज रुपीज 20 lakh. फाइंड द प्रॉपर्टी टैक्स एट द रेट ऑफ 16%. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, सॉल्यूशन प्राइस ऑफ शॉप इज इक्वल टू रुपीज 20 lakh. रेट ऑफ टैक्स इज इक्वल टू 16%. नाउ now property tax is equal to 20 lakh multiply 16%. सिक्सटीन का परसेंट का मतलब है 16/100. 20 इससे कट ऑफ कर दें, 16 से इसे मल्टीप्लाई कर दें. इसका राउंड कर लेते हैं यहाँ पे. ट्वेंटी थाउजेंड इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 16 के साथ. 6 0 0 6 0 0 6 0 0 और 6 0 0 6 2 12 6 1 1 0 0 फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर 1 2 2 0 0 0 0 2 3 अब इसका आंसर आ जाएगा 3 2 0 0 0 0.
क्वेश्चन नंबर थ्री है, द एनुअल वैल्यू ऑफ फ्लैट इज 250000. Find the half year tax payable at a rate of 15%. इसका सोल्यूशन होगा एनुअल वैल्यू is equal to rupees 15%. हाँ जी, रेट ऑफ टैक्स इज इक्वल टू 15%. नाउ रेट ऑफ टैक्स इज इक्वल टू 15%. नाउ annual tax payable
इज इक्वल टू, अब ये बड़ी अमाउंट लिखेंगे, यानी यहाँ पे जगह कम है तो इधर लिख लेते हैं रुपीज 250000 मल्टीप्लाई 25 लाख था मल्टीप्लाई 15%, जो रेट ऑफ टैक्स था 15 ओवर फिर 100 आ जाएगा, 15 जो परसेंटेज था तो 15 ओवर 100 आ जाएगा। अब इनकी कटिंग होगी 20 सब्ट्रैक्ट कर दें 20 से, रिमेनिंग अमाउंट आपकी जो बचती है वो इधर लिख रहे हैं, रुपीज 25000 मल्टीप्लाई 15 25000 ऐसे मल्टीप्लाई 15 के साथ आपने करना है, 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0
इस तरह अब ज़ीरो 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 फाइव फाइव प्लस टू सेवन टू प्लस वन थ्री अब ये जो आंसर आया इसको यहाँ पे लिख दें रुपीज़ थ्री सेवन फाइव रुपीज़ थ्री सेवन फाइव ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो। अब इसमें एक और चीज़ थी कि हाफ ईयर टैक्स पेएबल लिखा हुआ, तो हाफ ईयर यानी साल के सेंटर में यानी छः माह में, ये तो पूरे ईयर का आया ना, एक साल का आ गया, ठीक है। तो अब हाफ ईयर का मालूम करना है, यानी इस पर इसको टू पे डिवाइड कर देंगे तो आपका हाफ ईयर टैक्स आ जाएगा। यानी अब आप यहाँ पे ये भी काम कर सकते हैं, हाफ ईयर टैक्स पेएबल इज इक्वल टू रुपीज थ्री सेवन फाइव ज़ीरो ज़ीरो फिर एक और ज़ीरो, इसको डिवाइड कर दें टू पे, आंसर आ जाएगा रुपीज वन एट सेवन फाइव ज़ीरो ज़ीरो। क्वेश्चन नंबर फोर है, द एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज रुपीज,
70,50,000 find the property tax payable for a period of 10 months at the rate of 12%. The annual value of a property is rupees 705,000. Find the property tax payable for a period of 10 months at the rate of 12%. Solution. Annual value of property is equal to rupees 705,000 rate of tax
is equal to 12%. Rate of tax is equal to 12%. Now, now annual tax, annual tax payable now, annual tax payable is equal to ₹705,000 multiplied 12%. ₹705,000 अब 12% का मीनिंग है 12/100. अब ये 2020 से सब्ट्रैक्ट कर दें, अब ₹705,000 मल्टीप्लाई 12, अब इसका आंसर आ जाएगा ₹8,46,000. नाउ tax payable for 1 month. का मालूम करना है तो क्या करेंगे, जो बिग अमाउंट है ना, यानी 8,46,000, तो इसके नीचे 12 लिखेंगे, यानी जो 12 महीने हैं वो लिखेंगे, तो फिर इसको इस पर डिवाइड करेंगे, तो रिमेनिंग अमाउंट आपकी जो आएगी वो आपका एक महीने का आ जाएगा, यानी रुपीज़ इसको डिवाइड करने के बाद आंसर आ जाएगा 70500. अब टैक्स पेएबल फॉर 10 मंथ, टैक्स मालूम करना है जो 10th मंथ के लिए हो आपका. अब आपने क्या करना है, सो टैक्स payable
और 10 मंथ, 10 मंथ्स इज इक्वल टू 70500 मल्टीप्लाई 10, तो अब आपका आंसर आ जाएगा रुपीज 70500 क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ द प्रॉपर्टी टैक्स वाज रुपीज 28,000 एट द रेट ऑफ 10%, फाइंड द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। If the property tax was rupees 28,000, if the property tax was rupees 28,000, 30 है, एट द रेट ऑफ 10%, find find the value of the property. इसका सलूशन है, लेट द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी
is equal to rupees x. Property tax is equal to rupees tax rate. Is equal to 10%. Now tax payable is equal to value of property multiply 10% अब इसका आपने लिखना है नीचे रुपीज टू एट जीरो 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 इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई 10% की जगह 10/100. अब रुपीज 28000 मल्टीप्लाई, अब ये 10/100 ये इज इक्वल टू से इस तरफ आएगा ना, यानी इस तरफ आएगा, तो अब ये 100/10 हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स, ये जीरो बेटा इससे कट हो जाएगा और बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है इसे मल्टीप्लाई कर देना. रुपीज 28000 फिर ये जीरो एक और ऐड हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करने के साथ, तो ये इसका आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर बेटा 6 करने लगे हैं.
क्वेश्चन नंबर सिक्स है, उजैर पेड रुपीज 24,600 एज प्रॉपर्टी टैक्स इफ द वैल्यू ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड इज रुपीज 2,46,000 वट इज द रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स। अब जो उजैर है वो प्रॉपर्टी टैक्स अदा करता है 24,600 प्रॉपर्टी टैक्स अदा करता है, जो कि लैंड इसकी है एग्रीकल्चर लैंड यानी ज़राअत की जो ज़मीन है उसकी अमाउंट बनती है 2,46,000 जिस पर वो ये टैक्स मल अदा करता है। अब ये कितनी परसेंटेज का टैक्स अदा करता है ये परसेंटेज आपने बतानी है इस सवाल में। उजैर पेड रुपीज 24,600 प्रॉपर्टी टैक्स इफ द वैल्यू of the agriculture एग्रीकल्चर लैंड इज रुपीज 24,600 2,46,000 What is the rate of property? Tax अब इसका सलूशन करेंगे।
tax paid is equal to rupees 24600. Value of land is equal to rupees 2,46,000. ये tax paid किया है उसने और ये वैल्यू ऑफ लैंड है। लेट रेट ऑफ टैक्स is equal to x percent. So tax paid is equal to value of land multiply tax rate. इसके अमाउंट टैक्स पेड की रुपीज 24,600 और इसके अमाउंट है रुपीज 2,46,000 मल्टीप्लाई एक्स परसेंट जो इसका रेट है। रुपीज 24600 ओवर रुपीज 2,46,000 इज इक्वल टू x over 100 क्योंकि x परसेंटेज है तो x over 100 ये अमाउंट इसके नीचे आ जाएगी और x परसेंट का मतलब है x over 100। अब बेटा ये 20 इससे कट गया इस तरफ से काटना शुरू करते हैं ना 2,466 से और ये वाले 20 ना शुरू हो गए 20 से और एक लास्ट जीरो बच गया यानी इन सब के साथ 1 था इधर भी 1 था तो अब लास्ट में 10 बचा यहाँ पे
अब इधर 10 बचा और इधर है x, ये ओवर 10 था, अब ये 1 ओवर 10 बचा था इधर, क्योंकि ये 1 है ओवर 10 बचा था, तो ये x है, ये इस तरफ आएगा तो ये आके हो जाएगा मल्टीप्लाई 100 ओवर 1, यानी ये वाला 100 जो है ये 100 इस तरफ आके हो जाएगा। अब 0 0 से कट गया, अब 10 बचा, तो 10 वन ज़ा 10, तो इस तरह x इज इक्वल टू 10 आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, पेज नंबर 99 पर, अ सेल्स टैक्स ऑफ 16% इज इम्पोज्ड ऑन LCD television if the mark price of the TV is rupees 40,000, calculate the total amount one has to pay if he wants to purchase it. क्वेश्चन नंबर 7 और सेल्स टैक्स ऑफ 60% tax of 16% is imposed on LCD television if the marked price of the TV with rupees
फोर जीरो 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 40,000. अब कैलकुलेट करना है. कैलकुलेट द टोटल अमाउंट वन हैज टू टू पे इफ ही wants to purchase it. इसका सॉल्यूशन है सेल टैक्स इज इक्वल टू 16%. Price of TV is equal to rupees 400,000. Now amount of sales tax is equal to अब ये रकम लिख लें rupees 400,000 multiply 16%. रुपीज 400,000 मल्टीप्लाई 16/10. जी बेटा अब इसको देखना कि ये आपस में कहाँ पे काट होते हैं. तो दो 2020 से काट हो रहे हैं. तो रिमेनिंग अमाउंट आपकी आएगी 400 मल्टीप्लाई 16 रुपीज
4 0 0. Now sale tax सेल टैक्स इसी जगह हम ये भी लिख सकते हैं नाउ टोटल अमाउंट पेएबल इज इक्वल टू रुपीज 4 0 0 0 0 प्लस रुपीज 6 4 0 0 अब इन्हें प्लस करेंगे तो ये आंसर आएगा 4,64,000 क्वेश्चन नंबर 8 करने लगे क्वेश्चन नंबर 8 की अमाउंट है द प्राइस ऑफ price of a bicycle is rupees 8,000 If 16% general sale tax is charged then calculate the amount of general sale tax GST जिसे कहते हैं on 20 such bicycles
अब इसका सलूशन है, प्राइस ऑफ बाइसाइकिल is equal to rupees 8,000. Sale tax is equal to 16%. Now sale sales tax payable is equal to 8,000 मल्टीप्लाई, अब ये जो 16% था इसकी जगह आ जाएगा 16/100. बेटा 2020 से कट कर देंगे तो 18 को मल्टीप्लाई करें 16 के साथ आपका आंसर आ जाएगा रुपीज 1,280. रुपीज 1,280. नाउ सेल टैक्स पेएबल फॉर 20 बाईसाइकल्स. जो 20 बाईसाइकल्स हैं अब उनकी अमाउंट आपने पता करनी है. ये एक साइकिल की अमाउंट आपके पास आगे 1,280. अब आपने 20 साइकिल्स की अमाउंट को मालूम करना. लिखने नाउ सेल टैक्स पेएबल
और ट्वेंटी बाई सेकेंड रुपीज 1280 मल्टीप्लाई 20 बेटा मल्टीप्लाई कर देंगे 1280 को मल्टीप्लाई कराएंगे 20 के साथ जीरो जीरो आर जीरो जीरो एट जार जीरो जीरो टू जार जीरो और जीरो वन जार भी जीरो अब टू जीरो आर जीरो टू एट जार सिक्सटीन का सिक्स से लगा वन कैरी टू टू जार फोर और वन प्लस करें फाइव टू वन जार टू जीरो जीरो सिक्स फाइव टू तो इस तरह बेटा एक साइकिल की जो कीमत थी वो थी 1280 इसी तरह 20 साइकिल्स की कीमत होगी 25,600 क्वेश्चन नंबर नाइन करने लगे हैं एन आर्टिकल इज एडवर्टाइज्ड फॉर रुपीज 214.60 इंक्लूसिव ऑफ अ 60% जीएसटी यानी जनरल सेल टैक्स फाइंड द ओरिजिनल प्राइस तो इसमें ओरिजिनल प्राइस के बारे में बताना है एन आर्टिकल इज एडवर्टाइज्ड फॉर रुपीज 214.60 इंक्लूसिव of a 16% general sale tax find
the original price. Solution. Cost of advertisement is equal to rupees 214.60. ये 6 के बाद 0 है. टैक्स रेट इज इक्वल टू 16%. यहाँ पे कहते हैं कि इफ इफ कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट इफ कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट including tax is rupees 116, then original cost than original cost is equal to rupees 100 over rupees 116.